हेलो गाइस, अभी तक हमने स्क्वायर निकालना सीखे थे, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में यानी क्लास 3 वीडियो में हमने आपको सिखाए थे, जो हमारी मैथ का क्लास नंबर 3 थी। अब हम क्लास 4 जो है अपनी क्लास एक आगे बढ़ाते हुए क्लास 4 पे चलते हैं और हम आपको उसमें 3 डिजिट के स्क्वायर निकालना बताएंगे। 3 डिजिट के स्क्वायर में क्या करते हैं, छोटा सा मेथड है, सीख लेंगे, आपके लिए काम आएगा। अभी 3 डिजिट के स्क्वायर में हम सीखेंगे केवल 1 से 100, मतलब 100 से 100 और 150 के आसपास के स्क्वायर, वो हम कैसे निकालते हैं आइए हम आपको बताते हैं। तो पहले हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लो एक हमने नंबर ले लिया 102, यानी कि 102 का हमें स्क्वायर निकालना है, 102 का स्क्वायर निकालना है। ये हम कैसे करते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, 100 के आसपास के नंबर का को हम इसमें जोड़ लेते हैं। तो 100 से ये 102 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 102 का स्क्वायर होगा हमारा, पहले हम आपको आंसर दिखा देते हैं। इसमें 102 का हमारा स्क्वायर होगा 100, 100, 0, 0, 4, 0 और 4, ये हमारा होगा आंसर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 102, 102 में पहले तो जितना अधिक है वो उसको 102 में ऐड कर देंगे, 102 में ऐड कर देंगे। तो 102 में कितना अधिक है, 2, 102 में 2 अधिक है, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा ये कितना हो गया, 104। पहले नंबर, पहले स्टेप में आप याद रखेंगे, जैसे आपको 102 का स्क्वायर निकालना है तो उसमें आप क्या करेंगे, 102 में जितना अधिक यानी 100 में जितना अधिक होगा, 100 में कितना अधिक है, 2, तो 2 को हम जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया, 102 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 104। अब हमने जिस जो जोड़ा है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, हमने कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, तो हम 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर हमने आपको बताया है कि कितना होता है, 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है इक्वल टू 4 यानी 4। अब हमने आपको स्क्वायर में भी बताया था, जब हमने आपको स्क्वायर की क्लास में बताया था कि हम 4 को खाली 4 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0 4 यानी 0 4, 4 को हम खाली 4 नहीं लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। अब हम इन दो इनको और इसको मिला के लिख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमने 104 को मिला दिया तो कितना हो गया, 0 4, ये हमारा निकल के आंसर आ गया। फिर से आप समझ लीजिए हमने आपको क्या बताया है, पहले तो हमें 102 का स्क्वायर निकालना है। हमने आपको बताया था कि हमें स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक के पता होने चाहिए, मतलब 1 से 9 तक के स्क्वायर हमें पता होने चाहिए। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1 से 9 तक के स्क्वायर हमें पता होने चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, 1 से 9 तक के स्क्वायर हमें जब पता होंगे, ठीक है, अब आते हैं 2 डिजिट के स्क्वायर, यानी कि 2 डिजिट के स्क्वायर में हमने क्या निकाला था कि हमने आपको एक दो मेथड बताए थे, 2 डिजिट के स्क्वायर में 2 मेथड बताए थे, कहो तो हम वो भी आपको सिखा देते बता देते हैं थोड़ा सा। 2 डिजिट के, मान लो हमें 12 का स्क्वायर निकालना है, वैसे तो आप नॉर्मल इसको याद कर लो, ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, यानी 12 की 2 बार गुणा 144 होता है। नहीं, अगर आपको याद रहता है तो आप इस माध्यम से कर सकते हैं, या तो 12 की 2 बार मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके, जैसे हमने आपको बताया था 12 की 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आप क्या करो, एक ट्रिक के माध्यम से कर लो। ट्रिक के माध्यम से क्या, यहाँ पे आपकी 12 की 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं इसको। तो ट्रिक के माध्यम से भी हम बता देते हैं और इसके माध्यम से भी, ये तो हमने आपको बताया था पहले, इन दोनों की गुणा, तो 2 दूनी 4, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका जोड़, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 और 2 मिलके कितने हो गए, 4।
फिर हमने आपको बताया था साइड वालों की जो बचे हुए बचे कौन से, एक और एक, एक और एक की गुणा एक, एक गुणा एक एक आएगी, कितना हो गया 144। और एक इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी वो भी आप देख लो, हम यहाँ बता देते हैं। जैसे कि हमने लिखा है 112 का स्क्वायर, तो आपको हमने बताया था क्या करना है, इसका स्क्वायर लिख लो पहले, पहले नंबर राइट साइड में जो है पहला नंबर 2 का स्क्वायर लिख लो, फिर जो अंदर है और तीनों की गुणा कर लो, तो 1 × 2 × 2, तो 1 × 2 × 2 = 4, एक 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 दूनी 2 × 2 = 4, और फिर क्या बचा है एक, एक का स्क्वायर कर लो यानी कि 144। ये हमने आपको पहले ट्रिक बताई थी, तो ठीक है आपको हमने फिर से बता रहे हैं कि आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, उसके बाद आप इस ट्रिक के माध्यम से जितने 100 99 तक आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको इसमें बता दिया, अब आप समझ लीजिए कि 3 डिजिट के अगर स्क्वायर होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 3 डिजिट के स्क्वायर होंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हमने आपको फिर से हम समझा दे रहे हैं। जैसे कि 102 का हमें स्क्वायर लेना है, ठीक है, तो हम खाली 102 को लिख लेंगे, फिर 100 में कितना अधिक है, 100 में देखेंगे 2 अधिक है, तो 100 में जितना अधिक है वो 102 में हम जोड़ देंगे, तो हमने 100 में जितना अधिक था वो 102 में जोड़ दिया, तो कितना अधिक था 2 अधिक था, तो 102 में हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 104, और जितना हमने जोड़ा है, जितना हमने जोड़ा है उसका हम क्या कर लेंगे स्क्वायर, तो हमने कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है, तो 2 का स्क्वायर हमें कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम 1 से लेकर 9 तक के नंबर को क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक के नंबर को हम ऐसे लिखते हैं 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, और फिर अपने आप 2 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं, तो हमने हमने क्या लिखा है 04 लिया है, ठीक है 04। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जो इधर साइड में हैं वो तो 2 ही लेंगे 2 डिजिट के, तो 2 डिजिट के हैं, और जितना हमने जोड़ा था मतलब 2 जितने जोड़े थे 104, यानी कि 102 में कितने जोड़े थे हमने 2 जोड़े थे, वो पूरे पूरे हमने पहले लिख दिए, और जो जिन हमारा स्क्वायर आया था वो हमने मिला के दोनों को लिख दिया। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया 10404। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो आप ऐसे लिख सकते हैं और फिर आगे इनको सबको मिला के लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10404, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आती है तो एक सवाल और इसका समझाते हैं, और आपको ये चीज़ें जो हमने बताई हैं वो याद रखनी है। तो एक सवाल और हम समझा देते हैं, जैसे कि हमें 106 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है 106 का स्क्वायर निकालना है, तो 106 में कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, 106 में कितना ज़्यादा है 100 में 6 ज़्यादा है, तो 6 को हम 106 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 106 में 6 को जोड़ दो, ठीक है 106 को 6 में जोड़ देंगे तो कितना आ गया 112। अब हमने कितना जोड़ा है, अब हमने कितना जोड़ा है 6 जोड़ा है, और 6 का फिर क्या कर लो स्क्वायर कर लो, 6 का क्या कर लो स्क्वायर, 6 का कर लो स्क्वायर, 6 का कर लो स्क्वायर, अभी एक मिनट, 6 का स्क्वायर कर लो, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ठीक है, इसको हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं तो 36 तो है ही, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 112 है और 36 है, 112 को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और फिर ऑब्लिक लगाएंगे और लिख लेंगे 36। ठीक है, और राइट हैंड में हमारे 2 ही डिजिट हैं तो हम इसको मिला के लिख देंगे, इसको हम मिला के लिख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया
211236 आपका ये आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, आपको आशा करता हूँ ये वीडियो ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं आती है एक और सवाल हम आपको समझाएंगे, फिर से हम रिवाइज़ कर देते हैं। रिवाइज़ करके देखिए 106 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 106 में आप क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे, मतलब जितना ज़्यादा होगा 100 में उतना जोड़ देंगे। तो 100 में कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 को हमने जोड़ दिया, कितने हो गए 112। अब जितना हमने जोड़ा है उसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। कितना हमने जोड़ा है, 6 जोड़ा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। फिर हम ऑब्लिक करके लिखेंगे उसको ऐसे करके। अब हमारे पास देखेंगे कि राइट हैंड साइड, राइट वाला हमारा ये होता है पोर्शन, राइट वाला ये होता है और लेफ्ट वाला ये होता है। ठीक है, तो राइट वाला हमारा कितना है, 36। तो हमारे राइट साइड में होना चाहिए, हमारे राइट साइड में केवल होना चाहिए 2 डिजिट। अगर 3 डिजिट होते राइट साइड में, हमारे 2 डिजिट होना चाहिए, राइट साइड यानी दायां, दाएं में हमारे 2 डिजिट होते हैं। अगर जैसे मान लो 3 होते तो हम 3 को, मतलब 3 डिजिट होते तो हम इधर एक प्लस कर देते, वो अभी सवाल हम समझाएंगे आपको। ठीक है, तो 2 अब हमारे 2 ही डिजिट है, यानी कि हमने इनको सबको ऑब्लिक हटा के मिला के लिख दिया, आंसर हमारा क्या बन के आ गया, 11236। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक सवाल और हम आपको बता देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। एक सवाल और बता देते हैं हम इसका, देखिए जैसे कि ये लिखा है 121 का स्क्वायर हमें निकालना है, 121 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो देखो 100 में कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, 100 में कितना ज़्यादा है, 21, तो 21 को आप जोड़ लो, कितने हो गए, 142, 142 हो गए, कितने हो गए, 142 हो गए। यहाँ पे हम ऑब्लिक लगा देंगे, 142 हो गए। अब हम क्या करेंगे, 100 में कितना ज़्यादा है, 21, तो हम 21 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर चाहे तो आप ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं। तो 21 का स्क्वायर क्या होगा, 21 का स्क्वायर होगा 441, 21 का स्क्वायर होगा 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर होगा 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, यानी 441 21 का स्क्वायर है। अब हमने जहाँ पे ऑब्लिक लगाया था वहीं पे हम 441 को लिख देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये आंसर, अब हमने बताया था कि राइट साइड से केवल हमें 2 ही डिजिट लेना होते हैं, अभी तक तो थे उसमें 2 डिजिट, लेकिन अब 3 डिजिट आ गए, राइट साइड में हमें 2 डिजिट लेना होते हैं। तो राइट साइड के 2 डिजिट ले लो आप, राइट साइड के 2 डिजिट ले लो तो कितना आएगा, 41। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा है, 4 बचा है, तो 4 हम इसमें ऐड कर देंगे, 4 को इसमें ऐड कर देंगे हम इस वाले नंबर में, 4 को इस वाले नंबर में क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, तो कितना हो गया, 6, बाकी हम सब ऐसे ही लिख देंगे, बाकी हम सब ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6 और बचा कितना, 14। ये हमारा निकल के क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया निकल के। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। आशा करता हूँ ये आपको भी समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये तो हमने नियर 100 के आसपास के बताए थे, मतलब 100 के कितने आसपास आप ले सकते हैं, अब हम बताते हैं 150 के आसपास के। अब हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं 150 के आसपास के। तो ये आप चीज़ याद रखना, अब हम 150 के आसपास के बताएंगे, 150 के आस पास के बता रहे हैं, अभी तक हमने 100 के आसपास के बताए थे। ठीक है, तो 150 में हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, अभी देख तो हम देखते रहना आप। 150 में भी ये एक ट्रिक लगती है,
पहले तो 100 के आसपास की ट्रिक आप लगा सकते हैं, और फिर 150 के आसपास की ट्रिक लगाएंगे, फिर 200 के, और 200 के बाद आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा कि हमें कितनी ट्रिक लगानी है। तो 150 की ट्रिक की देख लो, जैसे कि ये पहला सवाल हमारा ये है, 157 का हमें स्क्वायर निकालना है, मान लो 157 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो ये देखो, ये 100 में, ये 150 में कितना ज़्यादा है, 7, ये 150 में कितना ज़्यादा है, 7, तो हम 150 में, ये 157 में 7 जोड़ देंगे, ये 157 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 150 में कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 उसी नंबर में जोड़ देंगे, कितने, 157 में, तो कितना हो गया, 164, 164। अब हमने आपको बताया है कि 164 को हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो हमने जोड़ा है, क्या जोड़ा है, 7, उसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, उसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो 7 का आप स्क्वायर कर लो, कितना होगा, 49, 7 का स्क्वायर होगा 49, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं रखते हैं, अभी इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अब जो आपका जोड़ आया है, कितना आया है, 164, 164 में को हम किससे कर देंगे, गुणा 3/2 से, यानी 3/2 से, 164 को आप गुणा कर दो, 164 को आप गुणा कर दो 3/2 से, ठीक है, 164 को आप 3/2 से गुणा कर दो, या आप क्या कर सकते हैं, और या आप क्या कर सकते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 3/2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1.5 का भी मतलब होता है 3/2, ना तो आपको करके दिखा देते हैं, 1.5 का मतलब होता है 3/2। कैसे निकालते हैं, पॉइंट के आगे जितने डिजिट होंगे उसके बटे में उतने हम जीरो लगा देंगे, यानी पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, एक, तो एक लिख के एक जीरो लगा देंगे, कितना हो गया, 10। अब आपने काट, ये तो आपको बहुत पहले ही सिखाया गया होगा कि काटा पीटी कैसे करी जाती है, तो इसको हम बता रहे हैं कि ये पहले उस नंबर से काटो जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो ये 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, यानी 5 2 10 और 5 3 15, तो कितना आ गया हमारे पास, 5 3 15, ये कितना आ गया, 2/3/2, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से पहले हम इधर वाले नंबर को काट देते हैं, तो 2 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, कितना आ गया, 82। अब 82 × 3 कर लो, 82 × 3 कर लो, 82 × 3 कर लो, कितना आएगा, 82 × 3 करोगे तो आपको मिलेगा 246, इक्वल कितना मिलेगा, 246, ये हमारा अभी निकल के आया है, ठीक है। अब हमारा जो 7 का स्क्वायर आया था वो कितना आया था, 7 का स्क्वायर कितना आया था, 49। हमने बताया था आपको लास्ट के दो ही डिजिट हम लेते हैं, यानी राइट साइड के हम दो डिजिट लेते हैं, तो दो डिजिट तो हैं, तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर होगा वह क्या होगा, 2 4 6 4 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। देखिए जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं वह ट्रिक कैसे भी क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, भूलेंगे भी नहीं, और इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहेंगे तो ये आपको करने में केवल 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा। जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं यह ट्रिक आप कभी भूलेंगे भी नहीं, और एक ट्रिक है ये भी नहीं, आपको 10 10 ट्रिक याद करनी है किसी भी मल्टीप्लाई करने की, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा अपना, ठीक है। एक सवाल हम आपको और समझाते हैं, फिर आप खुद में खुद इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ जाएंगे। जैसे हमें निकालना है 161 का स्क्वायर, तो ठीक है 161 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो अब ये देखो 150 में कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, 150 में कितना ज़्यादा है, 11। अब 11 को 161 में जोड़ दो, 11 को 161 में जोड़ दो, कितना आ गया, 172, यानी 172 आ गया, ठीक है।
अब हमने आपको बताया था कि जो जोड़ते हैं उसका हम स्क्वायर निकालते हैं, तो हमने कितना जोड़ा है, 11 जोड़ा है, तो 11 का स्क्वायर निकाल लो कितना होगा, 121। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 यानी 121। अब हमने क्या करना होता है, अभी हम इसी स्टेप पे रहते हैं, 172 वाले स्टेप पे रहते हैं। 172 में हमें क्या करना होगा, हमने बताया आपको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2/3 से मल्टीप्लाई, तो 2/3 से 172 की मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 से 172 को काट दो, नीचे और ऊपर वाले को दोनों इवन नंबर हैं इसलिए हम काट सकते हैं, दोनों सम संख्या हैं इसलिए काट सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16। अब कितना इसमें हमें एक और मिल गया, अभी 16 ही हमने लिए हैं, एक मिल गया तो कितना बचा है, एक एक इसमें हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12। तो 12 2 छंग 12, पूरा डिजिट हमारा कट गया, ये कितना हो गया, 86। अब 86 की गुणा हम 3 से करेंगे, 86 गुणा 3 लिखेंगे तो कितना हमारा होगा, 86 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 258, 258 यानी 258, 258 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही अब हमें कुछ नहीं करना है, बस 258 को एक जगह लिखो, 258 को एक जगह लिखो, और 11 का स्क्वायर हमने कितना निकाला था, 11 का स्क्वायर हमने 121 निकाला था। ठीक है, अब हमने बताया था, हमने आपको बताया था कि हम केवल दो डिजिट लेते हैं, दाएं साइड के दो डिजिट लेते हैं, तो दाएं साइड में कितने हैं हमारे, दो डिजिट लेंगे तो हम 21। ठीक है, तीसरे वाले को हम किससे, तीसरे वाले को हम ऑब्लिक के बाएं साइड वाले से प्लस करते हैं, इसको हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया, 19, कितने हो गए, सॉरी 19 नहीं, 9, 9 हो गए। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, फाइनल आंसर हमारा निकल के आ रहा है 2, 2, 5 और 9। ठीक है, ये हमारा निकल के आ रहा है 25, 92 और 1, ये निकल के आ गया हमारा आंसर। इससे आप जो है सीख जाएंगे, वो ट्रिक समझ में आई होगी। अब जैसे एक सवाल हम इसका माइनस में बता देते हैं कि माइनस में कैसा होगा, जैसे 147 लिखा है, जैसे हमने 147 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब हम वही क्रिया करेंगे 147 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो 150 में कितना कम है, 3, 150 में कितना कम है, 3, तो इसमें से 3 घटा देंगे, प्लस वाले में क्या कर रहे थे हम, जोड़ रहे थे, माइनस वाले में क्या करेंगे हम, 3 घटा देंगे तो कितना आ गया, 144, 144 आ गया, घटा देंगे। ठीक है, अब वही करना है हमें क्या, कि हमें जो हमने घटाया उसका हमें क्या निकाल लेना, स्क्वायर, तो हमने क्या घटाया, 3 घटाया, तो उसका हमें स्क्वायर निकाल लो, 09। ठीक है, 09। अब हमें क्या करना है, वही क्रिया करनी है कि 3/2 से इसको क्या करना है, 144 को डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको काट दो, 2 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 2 4 कितना आ गया, 72। 72 की 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 72 की 3 से गुणा करोगे तो 2 3 6, 2 और 3 7 21, 216। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, 216 को ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, और ऑब्लिक लगाना है, और 3 का स्क्वायर हमने क्या लिखा था, 9। अब देखो हमारे राइट साइड में दो ही डिजिट हैं, इसीलिए हमें इनको मिला के लिख देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनल क्या निकल के आया, 216 09। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर निकल के आ गया है। अब हमने आपको 100 के आसपास के नंबर बता दिए, 150 के आसपास के बता दिए, अब 200 के आसपास के बता देते हैं कि कैसे होंगे, फिर हम जो है इस मेथड को क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हम 200 के आसपास के आपको नंबर को बता देते हैं, 200 के आसपास। ठीक है, 200 के आसपास के बता देते हैं इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे हमने लिखा है
207 का स्क्वायर यानी 200 का 207 का स्क्वायर लिखना है। तो हम पहले देखेंगे 200 में कितना अधिक है, 7 अधिक है। 200 में कितना अधिक है, 7। 200 में 7 अधिक है, ठीक है। तो 200 में 7 अधिक उतना ही हम जोड़ देते हैं, तो 207 में 7 जोड़ दो तो कितना हो गया, 214, ठीक है, 214 हो गया। अब हम 214 की, क्योंकि 200 का हमें, 200 का हमें निकालना है, इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे। 300 का हमें निकालना होता 3 से गुणा करते, 400 का निकालना होता तो 4 से गुणा करते। आप जितने का निकालना चाहो उतने की आप इसमें, 1000 तक, 1000 से ऊपर नहीं जाना है, 1000 से ऊपर 10000 में पहुंच जाओगे, इसलिए 1000 तक आप निकालना है। तो 1000 तक आप किसी से भी कैसे भी सवाल कर सकते हैं। तो इसे हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 214 की 2 से गुणा कर दो कितना आ गया, 214 की आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 428, ठीक है। गुणा करना आती ही होगी आपको, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये 428 आ गया। अब हमने आपको बताया लिखने का तरीका हमारा यही है, कैसे 428 को लेफ्ट साइड में ऑब्लिक लगाएंगे, और हमने स्क्वायर कितने का निकाला था, ये आप देख लो, 7 का स्क्वायर अभी नहीं निकाला तो निकाल देते हैं, 7 का स्क्वायर जो जोड़ते हैं उसका स्क्वायर ले लेंगे हम, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, जो जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर लेते हैं हम, तो हमने कितना यहाँ पे लिख दिया, 49, ठीक है। अब हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर हमारा निकल के आ गया है 42849, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। अब वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर कुछ भी आपको जरा सी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद।